सबको नमस्ते, मेरा नाम है सुंदर देवी और गांव गोरीकुआ और मेरे समूह का नाम है खुशी सेवा सहायता समूह और मैं 10 समूह को देखती हूँ और मैं समूह सखी का काम करती हूँ। और हम पहले तो घर के अंदर ही रहते थे, बाहर नहीं निकलते थे। और जो धौलपुर से दीदी आई उसने हमारे समूह की एक एक महिला को करके वापस 10-12 सदस्य जुड़ के एक समूह बनाया। तो यूँ करके हमारे मतलब अभी 5,000 महिला जुड़ी हुई है। तो पहले तो हमारे छोटे छोटे समूह थे 10-12 महिलाओं के, तो अब तो हमारे वीओ भी बन चुका है। वो वीओ में हमारे एक वीओ है उसमें 20-21 समूह के एक वीओ बना है और उसके ऊपर हमारा फेडरेशन भी बना है। तो हमको मतलब छोटी छोटी जरूरत होती है तो हम समूह से लेके भी हमारा कुछ छोटा काम हम कर सकते हैं। तो हमारी बड़ी जरूरत होती है तो हम वीओ से भी लेते हैं और वीओ से और ज़्यादा पैसे की जरूरत होती है तो हमारा बड़ा फेडरेशन है तो हम फेडरेशन से लेकर हम बड़ा काम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे दुकान है, आटा सक्की है, मुर्गी पालन और सब्जी की दुकान है, कुछ भी धंधा हम कर सकते हैं तो उसमें हम 2 पैसे हम कमा सकते हैं। मेरा नाम सुचिता जैन है, मैं अकलंग स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हूँ और है ना क्या कहते हैं 5 साल से हम जुड़े हुए हैं और है ना जन शिक्षण संस्थान से भी जुड़े हुए हैं। जिसके बाद हम जो पेपर मेशी का हमने सबसे पहले पेपर मेशी का स्टार्ट करा था, 12 साल हो गए। जो धार्मिक ग्रंथ रहते हैं जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, उसको अपन पानी में प्रदूषित कर देते हैं तो वो पानी प्रदूषित होता है, उससे हम रिसाइकल करके हम पेपर मेशी के आइटम बनाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सुमित्रा है और मेरे समूह का नाम शिवानिया स्वयं सहायता समूह है। NULM के द्वारा हमारा ही NULM के द्वारा समूह चल रहा है हमारा और इसमें मैं जूट के बैग बनाती हूँ और मेरे साथ में 35 महिलाएं जुड़ी हुई हैं जिन्हें भी मेरे समूह के द्वारा रोजगार मिला हुआ है। इन समूहों को हम जो मेले लगते हैं उनमें सेल होती है और ऑर्डर्स पे भी बनाए जाते हैं। जैसे कई जगह शादी समारोह होते हैं उनके ऑर्डर्स लिए जाते हैं और जो ज्वेलरी की शॉप होती है वहाँ भी अभी हमारे बैग बन के जा रहे हैं, सप्लाई हो रही है पूरे कोटा में। नमस्ते, मेरा नाम कामिनी कश्यप है, मेरा स्वयं सहायता समूह का नाम तेजस्वी है और मेरा ट्रेनिंग सेंटर भी है जिसका नाम तेजस्वी है। मेरा NGO है तेजस्वी नाम से और मेरे यहाँ पर मेरे ट्रेनिंग सेंटर में लगभग मैं 700 से 800 लड़कियों को पूरे साल में ट्रेनिंग देती हूँ और उनमें से जो कैंडिडेट्स काम करने के इच्छुक होते हैं उन्हें अपने पास ही काम पर रख लेती हूँ। हमारे यहाँ से पूरे नगर निगम में मास्क, टी शर्ट और बैच कैप्स सप्लाई होते हैं जैसे कि आप ये देख रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ अगरबत्तियों का काम भी चलता है और अगरबत्ती का काम हमारा अच्छा चलता है। आप देखिए जैसे तेजस्वी अगरबत्तियाँ हैं, हमारी तेजस्वी के नाम से ही हैं और इसके लिए भी हमने महिलाओं को काम पर रख रखा है और हमारा काम अच्छा चलता है। हेलो, मेरा नाम सुनीता खेरे, मैं जन शिक्षण संस्था की अनुदेशिका हूँ। हमें 25 वर्षों से हम लोग सिलाई का और ब्यूटिशियन का ये कोर्स चलाते आए और उसी में हमने समूह बनाया हुआ है। उसके तहत हम लोगों ने ये वर्मी कंपोस्ट बनाई हुई है और ये आंवला कैंडी बनाए हुए हैं और हम लोगों को जो प्रशिक्षण देते हैं लड़कियों को उनको जॉब भी देते हैं। हेलो जी, मेरा नाम पिंकी रानी कुशवाहा है और मैं महाकाल SSG से जुड़ी हुई हूँ और हम लोगों ने SSG द्वारा मिलकर एक आयुर्वेदिक का स्टोर डाला है जिसमें क्या हम लोग चाहते हैं स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ। तो हर सामान हमारे यहाँ उपलब्ध है, आयुर्वेदिक और हर्बल, इसमें कोई केमिकल नहीं है मिला हुआ, सारी चीजें हर्बल और आयुर्वेदिक हैं। नमस्ते, मेरा नाम अनीता वैष्णव है, मेरा समूह है सुखदीप ज्योति के नाम से। मैं ना सैनिटरी पैड का काम करती हूँ। मेरे समूह में कम से कम 200 लेडीजें हैं, उन सबको मैं रोजगार देती हूँ पैड बेच के। उनसे कहती हूँ भाई ये यूज करो और समझाती भी हूँ कपड़ा यूज लेते हैं तो उनको कि भाई कपड़ा यूज ना करिए जाए, कम से कम पैड लीजिए, पैड से क्या इन्फेक्शन नहीं होता है। और हमारे ग्रुप में है ना आंवला कैंडी, जूस और मुरब्बा सभी चीज़ें बनते हैं जो हम सप्लाई करते हैं सर। हेलो, मेरा नाम अदिति जैन है, मैं कोटा राजस्थान से हूँ। मैं क्रोशिया बुटीक चलाती हूँ। ये क्रोशिया एक तरह से अपनी इंडिया की ट्रेडिशनल आर्ट है जो एक तरह से बंद होने की कगार पे है, उसको मैं जीवित कर रही हूँ और लोगों को काम दे रही हूँ। ये एक इस तरह की आर्ट है कि घर बैठे काम कर सकते हैं और अपना रोजगार चला सकते हैं, अपने घर गृहस्थी के काम भी कर सकते हैं और अपना ये क्रोशिया का काम भी कर सकते हैं। मैं इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती हूँ, डेकोरेटिव आइटम्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, सभी तरह के वियरिंग आइटम्स हो गए, क्लोदिंग हो गई, बहुत तरह के आइटम्स बनते हैं और सभी लोग मेरे से घर मेरे से ले जाते हैं अपना काम और घर बैठ के अपना काम करते हैं और अपने रोजगार चलाते हैं। मैं चांदनी खंडेलवाल, मैं चांदनी स्वयं सहायता समूह से हूँ। मैं मटका कुल्फी का काम करती हूँ। मटका कुल्फी खुद मैं तैयार करवाती हूँ केसर इलायची बादाम द्वारा। मैं एसेंस नहीं डालती हूँ बिल्कुल भी और तरह तरह की कुल्फी बनाती हूँ, मैंगो कुल्फी, पान कुल्फी, गुलकन कुल्फी।
और कुल्फी पूरे कोटा में ऐसी कहीं नहीं मिलेगी, ऐसी कुल्फी मैं तैयार करती हूँ।